अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो पोएम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स व्हिच इज़ रिटन बाय जेफ्री चौसर। हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइन नंबर 42 तक अपनी एक्सप्लेनेशन कम्प्लीट कर ली थी, मीन्स जो हमारा जनरल प्रोलॉग का इंट्रोडक्शन था वो हमने कर लिया। आज हमने शुरू करना है नाइट का करेक्टर लाइन नंबर 43 से। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले आप वो लेक्चर सुन लें ताकि आप प्रॉपर वे में इस पोएम को अंडरस्टैंड कर पाएँ, किसी भी किस्म का पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस से डाले हैं, पहले चौसर के बारे में सारा लेक्चर है, नेक्स्ट है थॉमस सिबेकेट के बारे में, उससे नेक्स्ट है जो द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स उसकी इंट्रोडक्शन और समरी, एंड देन हमारी लाइंस जो है वो सीक्वेंस से आपको उसमें मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी आपकी आसानी के लिए। एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम हमारा जो लेक्चर है आज का वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लाइंस को पढ़ने से पहले एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, जैसे सुनाती होती हूँ, जो कि इन लाइन से रेलिवेंट होगी ताकि माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाए आपके कि आपने पढ़ना क्या है इसके अंदर, और ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो बी अटेंटिव, ध्यान से बात सुनिएगा। चौसर हमें क्या बता रहा है? चौसर कहता है वहाँ पे एक नाइट था। नाइट किसे कहते हैं? जंगजू को, फाइटिंग करने वाले को, जंग लड़ने वाले को। कहता है वहाँ पे ना एक नाइट था, और फैक्ट उसके बारे में ये था कि वो बड़ा वर्दी एडमायरेबल मैन था। अब चौसर नाइट को पसंद क्यों करता है? क्योंकि चौसर खुद भी एक नाइट हुड की लाइफ गुजार चुका हुआ है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया। एनी हाउ, तो चौसर कहता है वहाँ पे एक नाइट था और उसके बारे में फैक्ट ये है कि वो बड़ा वर्दी, बड़ा एडमायरेबल मैन था। कहता सबसे पहले जो घोड़ा चलाने वाला शख्स था इन सब के अंदर, वो भी नाइट का करैक्टर है। और कहते हैं नाइट के ट्रेड्स क्या थे? इसमें श्वेलरी थी, इसको सच बोलना पसंद था, ये बड़ा ऑनरेबल मैन था, ही वॉज फ्रीडम लवर और कर्टसी। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इसके करैक्टर के बारे में हमें चौसर ने। श्वेलरी, ट्रुथ, ऑनर, फ्रीडम, कर्टसी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से 5 ट्रेट्स जो है वो रिलेट किए जाते हैं नाइट के साथ, तो ये 5 हैं, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फिर चौसर बताता है कि हमेशा ही जितने भी वॉरफेयर हुई हैं, जितनी भी जंगें हुई हैं ना, उनके अंदर ये हमेशा ही वर्दी मैन रहा है, बड़ा कर्जियस रहा है, बड़ा बहादुर, वेलियंट किस्म का रहा है। और कहता है जंगों के लिए सबसे ज़्यादा सफ़र इस नाइट ने किया है, किसी और क्रिश्चियन नाइट या किसी और हीथन मींस नॉन क्रिश्चियन नाइट के मुकाबले में ये वो वाहर नाइट है जो जगह जगह गया है, डिफरेंट टेरिटरीज पे गया है, डिफरेंट लैंड्स पे गया है फॉर द पर्पस ऑफ वॉर। और इसकी वर्दीनेस की वजह से इसको हर जगह ही ऑनर दिया जाता है, इसको इज्जत दी जाती है, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहता जब अलेक्जेंड्रिया कंकर्ड हुआ, जब इजिप्ट कंकर्ड हुआ, तो ये नाइट वहाँ पे प्रेजेंट था। ये प्रूशिया में भी गया, वहाँ पे भी इसने वॉर लड़ी, उधर भी इसने सबको लीड किया और जीत कर आया। इसने रशिया में, लिथुआनिया में मिलिट्री को भी ज्वाइन किया। और कहता जिस ग्रेट रैंक पे ये पर्सन है, ये नाइट है, कोई भी दूसरा क्रिश्चियन मैन उसके इक्वालिटी पे आ ही नहीं सकता, कोई भी इसकी डिग्री को अचीव नहीं कर सकता जो डिग्री ऑफ एक्सलेंस इसने अचीव की, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आता होता है पेपर के अंदर कि इसने किस किस जगह का सफ़र किया, तो उनमें अभी हमने नाम पढ़ लिया है अलेक्जेंड्रिया का, इजिप्ट का, फिर हमने नाम पढ़ा है प्रूशिया का, फिर हमने पढ़ा है रशिया का, फिर हमने पढ़ा है लिथुआनिया का। प्रूशिया मीन्स जर्मनी। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये जो नाइट है ना, ये सिर्फ इन कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं था, ये ग्रेनाडा सिटी में भी गया, जो कि साउथर्न स्पेन के अंदर ग्रेनाडा प्रोविंस का एक कैपिटल है, और ग्रेनाडा सिटी के साथ साथ ये अलजायर में भी गया। फिर इसके अलावा इसने अपने घोड़े को किंगडम ऑफ बिलमैरी, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, वहाँ पर भी दौड़वाया। फिर कहता जब ब्लेज और स्टाइल, ये दोनों प्लेसेस, ये दोनों सिटीज़ वॉन हुई थी, कंकर्ड हुई थी, उस टाइम पे भी नाइट को वहाँ पे देखा गया। कहता इसके अलावा जब मेडिटेरियन सी, बहरिया रूम की तरफ जो फाइट हुई थी, जो बैटल्स हुई थी,
उन बैटल्स के अंदर भी इसको हिस्सा लेता हुआ देखा गया। फिर कहता है कि ये एक नोबल आर्मी मैन है, एक नोबल सोल्जर है, एक रेगुलर सोल्जर है जिसने क्रिश्चियंस की काफ़ी ज़्यादा आर्मीज़ के अंदर अपना एक प्रोमिनेंट रोल दिखाया और मुस्लिम्स के अगेंस्ट, अरब के अगेंस्ट इसने फाइटिंग की। और कहता है इसने अपना कंट्रीब्यूशन रिलीजन के लिए बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब ज़्यादा इसने अपना जो है ना रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। कहता है इसने 3 ग्रेट बैटल्स लड़ी जो कि ट्रामिसन नॉर्थ अफ्रीका में थी, जहाँ पे इसने अपने 3 दुश्मनों को एक ही वक्त में मार दिया था, सेम टाइम में, हैंड टू हैंड फाइट में, ठीक है, हैंड टू हैंड फाइट थी। उस फाइट के दौरान इसने अपने 3 दुश्मनों को इकट्ठे ही मार दिया था एक ही वक्त में। कहता है इसी वर्दी नाइट को तुर्की के साथ भी लड़ते हुए देखा गया, और किस बेस पे, रिलीजियस बेस पे। कहता है इसको मेडल भी मिला हुआ है और इसने हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट रेपुटेशन अचीव की है नाइटली शिवलरी की। फिर चौसर कहता है कि ऑल दो ही वॉज वेरी वर्दी, बहुत कॉम्पिटेंट है ये मिलिट्री मैटर्स के अंदर, लेकिन मिलिट्री मैटर्स के साथ साथ सेम वाइजनेस हमें नज़र आती है इसका सिविलियन अफेयर्स के अंदर। तो अभी जितना मैंने आपको बताया इतना माइंड में रखिएगा, लाइंस पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं हम। अ नाइट देयर वाज एंड दैट अ वर्थी मैन। क्वेश्चन आता है कि चौसर ने सबसे पहले नाइट को क्यों डिस्क्राइब किया ना, किसी और करेक्टर को क्यों नहीं, पहले नाइट ही क्यों? तो इसका आंसर चौसर ने खुद बताया कि वो वर्दी मैन था, मतलब सब में हाईएस्ट रैंक उसका था, इसलिए उसने सबसे पहले नाइट को डिफाइन किया, यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो नाइट वो जो मिलिट्री सर्विसेज में अपना हिस्सा अदा करे, अपना रोल अदा करे, कि वहाँ एक नाइट था जिस जो एक बड़ा ही ज़्यादा वर्दी मैन था, एडमायरेबल मैन था, यहाँ पे ये बताया गया। दैट फ्रो द टाइम दैट ही फर्स्ट बिगिन, फ्रो मीन्स फ्रॉम और टाइम TIME वाला टाइम, बिगिन मीन्स बिगिन। तो तब से ही जब इसने अपना सबसे पहले शुरू क्या किया, टू रिडन आउट, रिडन आउट मीन्स घोड़ा चलाना, अपना घोड़ा चलाना शुरू किया। ही लव्ड शिवलरी, उसको तब से शिवलरी पसंद थी, ट्रुथ एंड ऑनर, फ्रीडम एंड कर्टसी, उसको ट्रुथ ऑनर फ्रीडम एंड कर्टसी पसंद थी, और ये सारे करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट हैं नाइट के साथ। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, दोनों पेपर में भी बहुत दफ़ा आती हैं कि एवर सिंस ही स्टार्टेड हिज मिलिट्री करियर, जब से सबने मिलिट्री करियर शुरू किया था तब से ही इसको शौक था कि ये ब्रेवरी दिखाए, ये लव दिखाए टूवर्ड्स एवरीवन। उसके अलावा इसने जो ट्रूथफुलनेस है उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। फुल वर्दी वॉज ही इन हिज लॉर्ड्स वर, फुल वर्दी मीन्स कंपिटेंट था हर लिहाज से, लॉर्ड्स मीन्स लॉर्ड या फिर फ्यूडल, कि जितने भी वहाँ पे फौजी थे, जितने भी वहाँ पे फ्यूडल्स थे उनके अंडर जितने भी वहाँ पे जो आ रहे थे फौजी वगैरह, सोल्जर्स वगैरह, उन सब में बहुत ज़्यादा वर्दी नेचर का था, इसका कोई मैच नहीं था, ही वॉज मैचलेस। तो यहाँ पे वर का वर्ड है, वर मीन्स वॉरफेयर, ठीक है, जितनी भी जंगें होती थी ये अपने जो लॉर्ड्स थे उनके हुक्म की फरमाबरदारी करता था और हर जंग के अंदर बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता था, अपना एक वर्दी रोल अदा करता था। नेक्स्ट है थर्टो मीन्स है फॉर द पर्पज ऑफ, हैड रिडन मीन्स घोड़ा चलाना, तो जंगों के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ वॉरफेयर, जंगों के लिए इसने अपने घोड़े को जगह जगह दौड़ाया है, जगह जगह चलाया, दूर दूर लेकर गया है, जितना दूर ये गया उतना दूर कोई भी नहीं जा सकता था। तो एक फीचर हमारे पास आ गया कि वाइडली ट्रेवल्ड मैन है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है एज वेल इन क्रिस्टेंडम मीन्स क्रिश्चियंस, एज इन हेथननेस मीन्स हीथन, मतलब के जो नॉन क्रिश्चियंस होते हैं। तो कहते सबके लिए ये बराबर था और ये सबके, मतलब इसके लिए भी सब बराबर थे, ये बेसिकली इंसानों के लिए फ़ाइट करता है, इंसानों के साथ साथ रिलीजन के लिए भी ये फ़ाइट कर रहा है। और यहाँ पे दिखाया गया एक और चीज़, जब यहाँ हाईलाइट किया क्रिश्चियंडम और हीथन्स, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्रिश्चियंस के लिए भी लड़ रहा है, ये नॉन क्रिश्चियंस के लिए भी लड़ रहा है, दोनों के लिए इक्वालिटी रखता है। तो इट मीन्स यहाँ पे ह्यूमैनिटी का ट्रेट्स दिखाया गया कि ही हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, वो एक ह्यूमन हार्ट रखता था।
एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस, और हर जगह उसकी वर्दीनेस की वजह से उसको ऑनर दिया जाता था. एट अलेक्जेंड्रिया, मीन्स अलेक्जेंड्रिया, ही वॉज वैन इट वॉज वॉन, कहते हैं जब अलेक्जेंड्रिया को फतह किया गया तब ये वहाँ पर था. फुल ऑफ टाइम ही हैड द बोर्ड बाय गॉन, बोर्ड मीन्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे. बाय गॉन मीन्स बिगन, शुरू होना. जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती थी फुल ऑफ टाइम वो वहाँ पे मौजूद होता था. अबवन ऑल न्यूशिस इन प्रूस, अबवन मीन्स अबव या फिर चेयरमैन बना देना किसी को, ऑल मीन्स ऑल, और ये न्यूशियंस मीन्स नेशंस और प्रूस मीन्स प्रूशिया. कहते जब भी वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी प्रूशिया के अंदर तब उसको वहाँ पे हेड बनाया जाता था और ये सबको लीड करता था पूरी नेशन को. फिर नेक्स्ट लाइन्स है, देखते हैं. इन लेटो, लेटो मीन्स लुथानिया. फिर है रूस, रूस मीन्स रशिया. तो कहता है इसने रशिया में भी और लुथानिया ने भी मिलिट्री को ज्वाइन करके अपना एक रिमार्केबल नेम जो है वहाँ पे मेंटेन किया. नो क्रिश्चियन मैन सो ऑफ ऑफ हिज डिग्री, के कहता कोई भी क्रिश्चियन मैन इसकी जो डिग्री ऑफ एक्सलेंस है उसके इक्वल आ ही नहीं सकता. इन गर्नाड एट द सीच ईक हैड ही बी, गर्नाड मीन्स गर्नाडा सिटी, ये गर्नाडा सिटी बेसिकली कैपिटल है जो है ना गर्नाडा प्रोविंस उसका, जो आता है साउथ स्पेन के अंडर. यहाँ पे अरब भी रहते थे, मूरिश पीपल भी रहते थे, बर्बर्स भी रहते थे. तो कहते हैं यहाँ पे भी इसने एक रिमार्केबल रोल अदा किया अपना और उस पूरे टाउन को अपने कब्जे में ले लिया और कंकर्ड कर लिया, उसको फतह कर लिया. फिर है ऑफ अलजीर, अलजीर बेसिकली अगेन मोरक्को की एक सिटी है जहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन अरब मुस्लिम रहते थे. तो क्रिश्चियन ने इसको कैप्चर्ड कर लिया था, इस प्लेस को 1344 में. रिडन मीन्स घोड़ा चलाना. बेलमरे जिसको अब बेन मैरिन कहा जाता है, ये भी मोरक्को में है, ये भी मुस्लिम्स के अंडर था जिसको 1365 में क्रिश्चियंस ने कंकर्ड कर लिया था. फिर है लेस जिसको अब अयास कहा जाता है, ये एंटीओक के बिल्कुल पास है जो कि तुर्क से क्रिश्चियन ने वक्ती तौर पे कंकर्ड किया था 1369 में, लेकिन बाद में दोबारा ये टर्क्स के यानी कि तुर्कियों के हाथ में चला गया था वापस. एंटीओक के स्पेलिंग ये हैं और अयास के स्पेलिंग ये हैं. तो बेसिकली यहाँ पे चौसा बता रहा है कि जो नाइट है इसने सीज किया, मीन्स मुहासरा सरा कर लिया अलजीर का. फिर उसके बाद इसने अपने घोड़े को लेके बलमार की तरफ गया जो कि नॉर्थ अफ्रीका में, इसने उसको भी कंकर्ड किया. फिर उसके बाद लेस और स्टाइल जो है इन दोनों जगहों को भी कंकर्ड करते हुए भी उस टाइम पे भी जो नाइट है वो वहाँ पे प्रेजेंट था. व्हेन दे वर वॉन, जब वो जीते गए थे. अच्छा, एंड इन द ग्रेट सी, कहते जब ग्रेट सी मींस मेडिटेरियन सी को भी लेकर नेवल बैटल्स हो रही थी, जो बहरी फाइट्स होती हैं वो चल रही थी समंदर में, तो उस जगह पे भी इसको वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया था. एट मैनी अ नोबल आर्मी हैड ही बी, के बहुत सी नोबल आर्मी के अंदर इसको पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया. ये एक रेगुलर पर्सन था, एक रेगुलर सोल्जर था. इन मैनी अ नोबल ऑफ आर्मीज, और वो नोबल आर्मीज क्रिश्चियंस की थी और ये फाइट कर रहा था अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट अरब. अब ये लाइन इम्पोर्टेंट है, कहते हैं एट मोटर बैटलीज हैड ही बीन 15. ये क्वेश्चन आता है कि इसने कितनी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पे आंसर है ही हैड पार्टिसिपेटेड इन नॉट लेस देन 15 फैटल बैटल्स, कि इसने 15 से कम बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, 15 से ज़्यादा ही बैटल्स जिसके अंदर इसने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो तीन बैटल जो थी ना इसने वो क्रिश्चियन फेथ के लिए लड़ी थी. और वो बैटल्स कहाँ पे होती, ट्रेमसिन जगह पे, ठीक है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में आ जाती है. वहाँ पे इसने तीन एनिमीज़ को एक ही वक्त में एक ही साथ इकट्ठे हैंड टू हैंड फाइट में मार दिया था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड फोर्टन फॉर ओवर फेथ एट ट्रेमसिन, मींस ट्रेमसिन के अंदर ओवर फेथ मींस क्रिश्चियन फेथ, उनके लिए लड़ा है. इन लेस थ्रीज, थ्रीज मीन्स थ्री, एंड एस लेन हीज फोर, फोर मीन्स दुश्मन, स्लेन मीन्स स्ले, मार देना, कत्ल कर देना. तो कहते हैं उसने एक ही टाइम पे उन तीनों को मार दिया इकट्ठा. दिस लाइक वर्दी नाइट हैड बीन ऑल्सो, ये वर्दी नाइट देखा गया
ऑल्सो भी सम टाइम बाजुकात विद द लॉर्ड ऑफ पटाइल लॉर्ड ऑफ पैलेटाइल पैलेटाइल जो है ना वो कहते हैं तुर्की के लॉर्ड को. अगेन एन अदर हीथन इन तुर्की. हीथन मीन्स नॉन क्रिश्चियंस. तो नॉन क्रिश्चियंस मीन्स चौसर के बिलीफ वाला पर्सन, रिलीजियस पर्सन. तो कहता है लॉर्ड ऑफ पलाटी जो है ना उसके साथ तुर्की के अंदर इसको देखा गया इस वर्दी नाइट को लड़ते हुए, क्योंकि वो भी एक हीथन थे, वो भी नॉन मुस्लिम थे, सॉरी वो भी नॉन क्रिश्चियंस थे, वो मुस्लिम्स थे. तो मुस्लिम्स इनके लिए बारबारिक है. तो कहते हैं उसने मार के उनको बड़ा अजीम काम किया. फिर है एवर मोर. एवर मोर मीन्स ऑलवेज. फिर है सोवरेन. सोवरेन मीन्स रॉयल. प्रेज मीन्स मेडल और प्राइज. कहता है हमेशा से ये बड़ा वर्दी रहा है, बड़ा कॉम्पिटेंट रहा है मिलिट्री मैटर्स में, कि इसको हमेशा ही एक प्राइज के तौर पे मेडल मिलता था, जिस बेस पे इसने नाइटली शिवलरी के अंदर हाईएस्ट रेपुटेशन मेंटेन की. नेक्स्ट लाइन है एंड दो दैट ही वर वर्दी ही वॉज वॉइस. कहता है ना तो ये सिर्फ एक वर्दी था, कॉम्पिटेंट था मिलिट्री मैटर्स के अंदर, बल्कि साथ ही साथ ये सिविलियन अफेयर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉइस पर्सन था. ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप इसके करेक्टर को डिफाइन करते हैं वाली लाइन डाल सकते हैं उसके अंदर. अभी जो हमने पढ़े वो बेसिकली नाइट के यूनिवर्सल ट्रेट्स बताए हैं चौसर ने अपने टाइम पीरियड के. अब जो हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल ट्रेट्स, जो कि इसके अपने ट्रेट्स हैं जो सिर्फ इसमें ही प्रेजेंट हैं. गौर से बात सुनिएगा ताकि आपको लाइंस को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो. चौसर बताता है आगे की लाइंस में, कहता है अपने बिहेवियर के लिहाज से बात करें ना, अगर नाइट की बड़ा ही हम्बल था, बहुत हम्बल. कहते इसने कभी भी किसी को कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, बेशक वो कोई भी शख्स हो, कोई भी किसी को भी इसने कभी बुरा भला नहीं कहा. कहते बड़ा ही परफेक्ट जेंटल नाइट था, बहुत जेंटल था. फिर ये कहता है मैं अब ना आपको ये जो नाइट है ना इसके ड्रेस के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसने ड्रेस कैसा पहना था. कहता बड़ा गुड लुकिंग हॉर्स था इसके पास, और इसका जो ड्रेस था वो इतना दिखावे वाला नहीं था, इतना शोई नहीं था, सिंपल सा ड्रेस था. इसने एक स्लीवलेस जैकेट पहनी हुई थी जो क्लोज फिटिंग वाला कोट था, और एक्सटेंड यानी कि लंबा फैला हुआ था इसके हिप्स से नीचे तक. और वो जैकेट, वो कोट जो था स्लीवलेस, वो मोटे कपड़े से बना हुआ था. कहते उस स्लीवलेस लॉन्ग कोट के ऊपर इसने एक हैबर्ग्यून पहना था. ये क्या होता है, एक शॉर्ट स्लीवलेस जैकेट होती है जो आयरन से बनी होती है, जैसे अक्सर जंगजुओं ने पहनी होती है. आपने देखी होगी टीवी में भी जब कोई वॉर लड़ते हुए पुराने ज़माने के करेक्टर्स देखे हैं, तो तब तो बेसिकली जो इसने ड्रेस पहना ना वो एक वॉर लाइक ड्रेस है. और इसका ये वॉर लाइक ड्रेस पहनना इंडिकेट कर रहा है कि अभी अभी किसी मिलिट्री वॉयज से ये वापस आया है, और ये हमारे साथ अब कैंटरबरी कैथेड्रल की तरफ पिलग्रिमेज पे जाने वाला था. लाइंस गौर से सुन ली है आपने, अब हम पढ़ते हैं लाइंस की एक्सप्लेनेशन को. कहते हैं एंड ऑफ हिज पोर्ट एज मीक एज इज अ मेडन. पोर्ट मीन्स बिहेवियर, मीक मीन्स हम्बल, मेडन मीन्स एक अनमैरिड यंग वुमेन. कहता है ये इतना हम्बल इसका बिहेवियर था, जिस तरह की एक अनमैरिड यंग वुमेन होती है, क्योंकि औरतों का भी जो मतलब बिहेवियर होता है बड़ा पोलाइट होता है इस लिहाज से. फिर कहता है ही नेवर येट नो विलेनरी विलेनी ने सेड. विलेनरी मीन्स विलेनरी, कि कोई भी बुरा भला कहना, विकेडनेस वाला एटीट्यूड दिखाना. सेड मीन्स सेड कहना. कहते इसने कभी भी किसी को भी ना बुरा भला नहीं कहा इन ऑल हीज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में. ऑन टू नो मैनर वाइट. नो मैनर मीन्स एनी टाइप ऑफ, वाइट मीन्स पर्सन, किसी भी पर्सन को. कहता इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी शख्स को कोई भी किस्म का बुरा लफ्ज़ नहीं बोला. ही वॉज़ अ वेरी परफेक्ट जेंटल नाइट. परफेक्ट मीन्स परफेक्ट. कहते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफेक्ट और जेंटल नाइट था. बट फॉर टू टैलन यू ऑफ हिज अरे. अरे मीन्स ड्रेस. कहता अब मैं आपको इसके ड्रेस के बारे में बताऊंगा. हिज हॉर्स वरन गुड. कहते इसके जो हॉर्स थे उसने अच्छा लिबास पहना था, गुड लुकिंग था. ठीक है, इसका हॉर्स गुड लुकिंग था. बट ही वॉज नेट गे. नेट गे मीन्स दिखावा ना होना, ओस्टेंटेशन ना होना, सॉरी ओस्टेंटेशन ना होना. ठीक है, कोई दिखावा ना होना, शोली ना होना. तो कहते बड़ा सिंपल ड्रेस था इसका. तो इसका जो ड्रेस है ना वो भी इंडिकेट कर रहा है ट्रेडिशन को,
आगे हम इसका बेटा भी देखेंगे स्क्वायर, और उसका ड्रेस देखेंगे वो मॉडर्निटी को इंडिकेट करेगा। अब ड्रेस कैसे का है, इसने एक जुपिन पहनी हुई है जो कि मोटे कपड़े से बनी हुई है। जुपिन मीन्स एक लॉन्ग स्लीवलेस जैकेट है। अच्छा, और फॉस्टियन, फॉस्टियन मीन्स मोटा कपड़ा। ही वर्ड पहना हुआ है अजुपिन, जुपिन्स ये स्पेलिंग है। बिस मोटर्ड मतलब स्मूदर्ड और कवर्ड थिकली। फिर है आगे हार्बर्ग्यून मीन्स हार्बर्ग्यून, मैंने बताया आपको एक शॉर्ट कोट होता है जो कि मेल का बना होता है विदाउट स्लीव्स, और ये चेन का बना होता है बेसिकली आयरन का। तो कहते हैं जो इसने अपना ड्रेस पहना हुआ था उसके ऊपर एक शॉर्ट कोट पहना था इसने जो कि एक आयरन का बना हुआ था। और आगे से कहता है फॉर ही वॉज लेट ये कम फ्रॉम हिज वॉयज, कहता है जो इसने ड्रेसिंग की हुई थी उस वॉर लाइक ड्रेसिंग से लग रहा था कि अभी अभी ये किसी जो वॉर की जर्नी है, वॉर मिलिट्री वॉयज है, उससे वापस आया है। एंड वेंट फॉर टू डून हिज पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, और ये अब अपने पिलग्रिमेज के लिए जाने वाला है हमारे साथ। और जाना कहाँ पर है, कैंटरबरी में, ठीक है। और अब जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन रुके पहले मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता दूँ, यहाँ पे जो एंड से लेकर ना बनती है ही वॉज वेरी नाइट, यहाँ तक ये लाइन्स जो है ना दे आर, दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 78 लाइन तक पढ़ ली है, हमारा नाइट का करेक्टर इस वीडियो के अंदर पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब मैं बता दूँ क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में वो पूछेंगे कि इसने कितनी बैटल्स अटेंड की, तो उसका आंसर है कि 15 से कम नहीं, ठीक है। कौन कौन सी जगह पे गया हमने देखा, जर्मनी में गया, रशिया में गया, उसके बाद जो है ये अलेक्जेंड्रिया गया, लिथुआनिया गया, फिर इसके बाद अल्जीरिया में भी गया वगैरह वगैरह। फिर क्वेश्चन बनता है कि इसकी अपेयरेंस कैसी थी, हमने देख लिया कि इसने एक स्लीवलेस लॉन्ग कोट पहना हुआ था, फिर उसके ऊपर इसने एक आयरन का कोट पहना हुआ था, वो भी स्लीवलेस था वो जो कि शॉर्ट था, और इसके अलावा इसका ड्रेस सिंपल था, और इसको ट्रैवलिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा था। क्वेश्चन आता कि सबसे ज़्यादा शौक इसको किस चीज़ का था, तो इसको ट्रैवलिंग का शौक़ बहुत ज़्यादा था। और शोसन ने नाइट से क्यों स्टार्ट किया, किसी और करेक्टर से क्यों नहीं, क्योंकि नाइट जो है वो सोसाइटी में हायर रैंक से बिलोंग करता है, नोबल करेक्टर है, तो इसलिए उसने सबसे पहले नोबल करेक्टर को ही लेकर चला, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा, दुआओं में खास याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अल्लाह हाफिज़।